अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक चाइनीज़ रेसिपी शेज़वान चिकन बना रहा हूँ। ये काफ़ी स्पाइसी होती है। स्टूडेंट की डिमांड पे इसकी वीडियो रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो। आएँ रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन को अब हम मैरिनेट करेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। और जिन अज़ा से हम इनको मैरिनेट करेंगे, हमें देखते हैं वो कौन से। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, एक पिंच आपने एक चुटकी लेना है काली मिर्च पाउडर, साथ एक चुटकी लेनी है नमक की। अंडा डालना है, क्योंकि ये शेज़वान चिकन है इसलिए हम इसमें चिली पेस्ट डालेंगे एक चौथाई टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें 1 टीस्पून के बराबर या हसबे ज़रूरत जितनी कोटिंग आप करना चाह रहे हैं इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। मैंने 2 टीस्पून शामिल की है। इसको मिक्स कर लें। इसको मैरिनेट करके चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लें। आपने एक पैन में ऑयल लेके उसका जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इतना गर्म कर लें कि आपका चिकन डालने पे फौरन ना जल जाए, बल्कि हल्की आंच पे उसको मीडियम टू लो पे कुक करें ताकि आपका चिकन सॉफ्ट रहे और जूसी रहे। चिकन पीसेस को एक एक करके फ्राई करें, इकट्ठे मत डालें क्योंकि इकट्ठे डालने से आपके चिकन पीसेस जुड़ जाएंगे। इन पीसेस को ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़्यादा डार्क करने की वजह से ये आपके चिकन पीसेस हार्ड हो जाएंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो आप इनको निकाल के साइड पर रख दें। शेज़वान चिकन बनाने के लिए 1/2 टीस्पून हम अदरक लेंगे, 1/2 टीस्पून लहसुन लेंगे, उसके बाद 3 से 4 हम लाल मिर्च लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे, गाजर के 8 से 10 पीस लेंगे, शिमला मिर्च कटी हुई 8 से 10 पीस लेंगे, प्याज 8 से 10 पीस लेंगे। उसके बाद स्पाइसेस में हम काली मिर्च लेंगे 1/4 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच या 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हमने शुगर लेनी है, नमक अगर आपको कम लगे तो नमक आपने डालना है वरना जो सॉसेज हम यूज़ करेंगे उसके अंदर नमक पहले से ही होता है। केचप लेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून, सोया सॉस लेंगे हम 1 टीस्पून और ये घर की बनी हुई मिर्चों की पेस्ट है। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेके अब आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू कर देने हैं ग्रेवी बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल लेंगे। और इसको हल्का सा कलर देंगे, ज़्यादा नहीं जलाना। अब इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चिली पेस्ट डाल के घोट पाएंगे। और इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। आप इसमें केचप डालें, केचप डाल के
तो बाकी सॉसेज आप डाल दें, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सारे स्पाइसेस डाल देने हैं आपने इसमें, और हल्का सा पानी लगा देना ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो नीचे ना लगे। फ्लेम तेज करेंगे और इसकी फ्राई करेंगे। इसमें आप सब्जियां डालेंगे, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, गाजर, शिमला मिर्च और आखिर में प्याज डालेंगे। हमारी शेजवान ग्रेवी तैयार है, इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। हमारा शेजवान चिकन रेडी है। आप इस डिश को एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या गार्लिक राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या अपनी चॉइस के किसी भी चावलों के साथ आप खा सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।